Hey guys, मैं आपका दोस्त और होस्ट कृष्णा शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश फोटोशॉप की क्लास पे, जहाँ पर हम एक ब्राइड का फोटो को फिर से रिटचिंग करेंगे। तो गाइस, ऐसा बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर, एक ब्राइड की रिटचिंग के ऊपर आप बहुत ही अच्छा एक ट्यूटोरियल लाइए। तो गाइस, उसी टॉपिक पर मैं ये ट्यूटोरियल को पूरा फॉलो करके बना रहा हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही हम सारा प्रोसेस को सीखेंगे। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक ब्राइट का इमेज को ओपन कर रखा है गाइस। तो ये मेरा एक मेरा ही क्लिक किया हुआ इमेज है, जो कि मैंने अपने निकॉन के D5300 से क्लिक करा है और यहाँ पर मैंने एक इमेज को ला रखा है ओवरले के लिए, ठीक है। तो गाइस, आज का प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो सिंपली है, मैं पहले अपने इमेज को अच्छी तरह से देख ले रहा हूँ कि मेरा क्या पार्ट ठीक है, नहीं है कुछ। तो गाइस, यहाँ पर आप देखिए कि मेरा ये वाला जो आँख है, यानी आई है, इसमें फोकस है और इस वाले में थोड़ा सा डिफोकस है। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और एक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम हाई पास को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ, तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। हाई पास को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ इसको। उसके बाद गाइस, फिल्टर पे चलते हैं और यहाँ से अदर पे चलते हैं और हाई पास को ले लेते हैं। हाई पास को लेने के बाद इसका वैल्यू जो है, मैं 2.4 रखता हूँ और ओके पर हिट करता हूँ। ओके पर हिट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसे ओवरले पे कर दें। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा एक शार्पनेस का लेयर जो है अप्लाई हो चुका है। इसे अभी क्या करेंगे, मास्क करेंगे। मास्क करने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई करने से आपका जो भी पार्ट है वो हट जाएगा। उसके बाद आपको ब्रश टूल लेना है, ओपेसिटी और फ्लो 100 और वाइट कलर को सिलेक्ट करें और सिंपली है अपने आई के पार्ट पे हम इसे पेंट करेंगे, जहाँ पर हमें शार्पनेस को चाहिए। गाइस, अभी हमने यहाँ पे पेंट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से हाई पास जो है हमारा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इसे ओपन करना है और हाई पास को इंक्रीज कर लेना है। ये देखिए गाइस, हमारा जो शार्पनेस है वो हमारे इस आँख में अप्लाई हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, अब ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। अब देखिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये वाला आई जो है वो थोड़ा डिफोकस में हो गया। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से वाइट कलर को हमारा पहले से सिलेक्ट है, ब्रश भी सिलेक्ट है और ओपेसिटी को हम थोड़ा सा घटा देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर पेंट कर देते हैं, जैसे आई के इस पार्ट में। तो चलिए गाइस, हमारा ये जो पार्ट था ये पूरा कंप्लीट है। मैं लिप पे भी थोड़ा सा डाल देता हूँ सपने। तो गाइस, ये पार्ट कंप्लीट है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली एक ऊपर एक टेम्पटी ले लेना है और यहाँ से चला जाना है इमेज पे और अप्लाई इमेज को कर लेना है। तो अप्लाई इमेज करने का मतलब है कि आपका नीचे का जितना भी लेयर है वो सारा हाइड हो गया है, ऊपर एक लेयर है, हम उसी पर सारा काम करेंगे। तो गाइस, सिंपल है, मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कैमरा फिल्टर पे थोड़ा अपने इमेज को ओपन करूँगा और थोड़ा सा डिटेल और कलर के साथ यहाँ पर खेलूँगा। जैसा अभी देख पा रहे हैं, ये हमारा इमेज। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, थोड़ा सा शेडो को इंक्रीज कर दूँगा इमेज पे। देखिए, कुछ पार्ट जो था हमारा डार्क पार्ट वो थोड़ा सा लाइट में कन्वर्ट हो और यहाँ पे जस्ट अभी थोड़ा सा एक्सपोजर को हम देते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपोजर को लाते हैं और यहाँ से वाइब्रेंस को भी इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा और सिचुएशन को भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं इस इमेज को थोड़ा सा येलो टोन की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए, हमारा येलो टोन यहाँ पे मैं रखता हूँ +10, या फिर आप उससे भी कम रख सकते हैं, मैं यहाँ पे +6 रखूँगा। रखने के बाद आप यहाँ से ब्लैक कलर को देखिए, अगर मैं ब्लैक कलर को ज़्यादा करता हूँ तो पूरा इमेज काला हो जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर को कम करना है। यहाँ पर +2 ठीक है। उसके बाद गाइस, सिंपली यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से ऑरेंज जो है हमारा, ऑरेंज ये देखिए, ऑरेंज को अगर मैं ये करता हूँ तो देख सकते हैं आप, इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाते हैं तो अपने इमेज पे थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। आ जाने के बाद मैं इसे +3 रखूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। और मैं ऑरेंज टोन को जो है +2 रखूँगा, ठीक है, +1 +2, ओके +2। अब यहाँ से मैं रेड टोन को पूरा इंक्रीज करूँगा थोड़ा सा, लगभग +26। और यहाँ से जो येलो टोन है, जो हमारा ज्वेलरी है, उसे भी हम इंक्रीज करते हैं, सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ से हम हुई पे आके थोड़ा सा रेड को कन्वर्ट करेंगे इस टाइप के टोन पे, परफेक्ट। अब ये देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप का रेड कलर का टोन ले रहा है ये। तो गाइस, ये हो जाने के बाद आपको सिंपल है ओके पर हिट करना है। ओके पर हिट करने से जो हमारा इमेज है वो पूरा आ जाएगा। अभी आप देखिए कि हमारा जो पुराना इमेज था, यहाँ से मैं अगर पूरा ऑन कर दूँ तो आप देख पाइएगा, ये हमारा पुराना इमेज है और ये हमारा कैमरा रॉ पे एडिटिंग के बाद आया है। गाइस, ये तो बेसिक सा एडिटिंग था। अभी हमें क्या करना है, अपने फेस को थोड़ा सा स्मूथ करना है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ से फिल्टर पे जाता हूँ। सॉरी गाइस, सबसे पहले तो कंट्रोल जे कर ले आप, यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर आ जाता है। उसके बाद फिल्टर पे जाना है और यहाँ से मैं ये अपना स्किन फाइनर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा
तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी देखिए गाइस, हमारा जो फोटो है वो स्क्रीन फाइनल में ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो आपका कलर टोन है। अभी देखिए स्क्रीन का जो ये रेड कलर का टोन है, इसे ये सिलेक्ट नहीं कर रहा और यहाँ पर स्मूथिंग पार्ट को अप्लाई नहीं कर रहा। तो गाइस सिंपल है, आपको लेना है यहाँ से प्लस का सिंबल और यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका पूरा पार्ट को ये कवर कर लेता है। कवर करने के बाद आप वहाँ पर देखें कि आपका कौन सा पार्ट छूट रहा है, उसके बाद उसको भी कवर ये आराम से कर लेगा गाइस। तो देखिए हमारा स्किन का पार्ट कंप्लीट है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अमाउंट स्मूथिंग का अमाउंट को बढ़ा दूंगा और ओके पर हिट करता हूँ। तो गाइस अभी देखिए स्किन फाइनल जो एप्लीकेशन है वो पूरा रिटचिंग करके आपको इमेज को प्रोवाइड करा देगा। ये बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, आपका बहुत सारा काम ये आसान कर देता है। तो आप जरूर इसे एक बार इंस्टॉल करके ट्राई करके देखें। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा स्मूथिंग का पार्ट भी कंप्लीट है ये देखिए। बट अभी यहाँ पर क्या है, हमें जहाँ पे नहीं चाहिए, जैसे कि हमारा ज्वेलरी पार्ट पे नहीं चाहिए और बहुत सारे पार्ट पे नहीं चाहिए, वहाँ पे हम इरेज करेंगे। तो गाइस सिंपली है, सबसे पहले तो इसे मास्क बनाएं और कंट्रोल आई करके इसे इन्वर्स करें, या फिर आप एडिट पर जाए, सॉरी कंट्रोल आई का आप कमांड करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी इन्वर्स कर सकते हैं देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल आई कर देता हूँ तो इन्वर्स हो गया ये। अभी सिंपली क्या करूंगा मैं, ब्रश टूल हमारा और व्हाइट कलर भी सिलेक्ट है, बट यहाँ पे ऑपेसिटी कम था तो मैं इसे 100 कर दूंगा ऑपेसिटी को। अभी सिंपली क्या करूंगा, स्किन के पार्ट को सिर्फ पेंट करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्किन के पार्ट को मैं सिर्फ पेंट करूंगा तो ये पूरा जो है अप्लाई होके आ जाएगा। ये देखिए हमारा स्किन का पार्ट सॉफ्ट हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर। तो गाइस ये स्किन का पार्ट जब सॉफ्ट हो गया तो अब यहाँ पे हमें डज एंड बर्न और अपने आई पे रिटचिंग करना है। तो गाइस सबसे पहले हम आई पे रिटचिंग करते हैं, उसके बाद डज एंड बर्न करेंगे। तो गाइस सिंपल है, आपको यहाँ से ऑप्शन एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को लेना है और ब्राइटनेस को बढ़ा के हमें कुछ आप एक्स्ट्रा रखें ब्राइटनेस को, और कंट्रोल आई यहाँ पर भी हम कंट्रोल आई का उपयोग करेंगे। ये बहुत ही सुंदर है, आप कंट्रोल आई अगर यूज़ करना सीख जाते हैं और आपका कलर व्हाइट यहाँ पर होना चाहिए तो आपके लिए बहुत यूज़फुल लगेगा। गाइस अभी सिंपली मैं आई का जो हमारा ये है इस पर हम पेंट करते हैं, देखिए ऐसे करके इरा पेंट पूरा, ये हम अपने आई को वाइट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपका बहुत सारा होगा फोटो जिसपे क्लाइंट का जो आई है वो रेड हो जाता है वेडिंग्स वगैरह में, तो आप यहाँ पर इस टाइप का एडजस्टमेंट को करके उसे फिक्स आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली पेंट कर दूंगा, आपको सिंपली है कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेंट करना है अपने अच्छी तरह से इसे पेंट करें और बीच के जो पार्ट होते हैं ये पार्ट को आप छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वाइट करना है और वहाँ पर आपको कलराइज करना है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ से मैं सिंपली ऐसे करके पूरा को इसको पेंट कर लूँगा ऐसे करके पूरा, और यहाँ से भी हम इसे पेंट कर लेते हैं ऐसे येरा ओके। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा आई का ये पार्ट भी हमने पेंट कर दिया पूरा, बट अभी यहाँ पर देखिए आप कुछ रेड टोन कुछ अलग टाइप का टोन आई के अंदर दिख रहा है, तो उसे हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल है, यहाँ से फिर एडजस्टमेंट ले लेंगे और यहाँ से हम वाइब्रेंस को ले लेंगे। वाइब्रेंस को लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से मास्क में क्लिक कर देना है, करने के बाद वाइब्रेंस को पूरा कम कर दें और सिचुएशन को भी आप कम कर सकते हैं, बट मैं सिचुएशन को -7 ही रखूंगा। तो गाइस अभी देखिए ये जो आई हमारा जो हमने एडिटिंग करा है ये बहुत ही ज़्यादा वाइट है, तो अभी क्या करेंगे सिंपली फिर से ब्राइटनेस का लेयर को लेंगे और यहाँ से वाइट को हम कम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 30 ओके। तो गाइस ये देखिए 25 बहुत ही सुंदर है, ये हमारा पहले था और अभी है। ये अभी देखिए इमेज कितना अट्रैक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे सिंपल है, सबसे ऊपर जाना है, फिर से एडजस्टमेंट में हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को लेते हैं और फिर से ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और सिंपल है। अभी हमें अपने जो आई का रेटिना होता है यानी कि लेंस होता है उस पर पेंट करना है, देखिए ऐसे करके सिर्फ रेटिना यानी कि लेंस में सिर्फ पेंट करना है आपको, ध्यान से करना है इसको, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा आई जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से खुल के आ गया। अभी ये इमेज कितना अट्रैक्टिव लग रहा है वो आप देख सकते हैं, मैं आफ्टर बिफोर आपको बाद में दिखा दूंगा। उसके बाद गाइस अभी हमें सिंपली एक एम्प्टी ले लेना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डज एंड बर्न करेंगे, DNB लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, सॉरी गाइस यहाँ पर DNB ओके, DNB मैंने लिख दिया है। अभी सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आप सिंपली शिफ्ट F5 प्रेस दबाए या फिर एडिट में जाए और यहाँ से फील को ले, फील को लेने के बाद 50% गिरे और इसका ओपेसिटी 100 रखें, आप ब्लेंडिंग मोड से यहाँ से इसे ओवरले पे कर दें, ओके पर हिट करते हैं, तो ये ओवरले नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ओवरले कर देता हूँ, चलो तो हो गया ये पूरा ओवरले। अभी सिंपली है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर डज एंड बर्न करना है। तो ये ट्रिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है,
आपको इसका प्रैक्टिस पे बहुत अच्छी तरह से करना है। मैं यहाँ से इसका एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा 12 रखूँगा, 12, और ऐसे करके हमें पेंट करना है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा डजन बर्न अप्लाई हो रहा है अपने हमारे इमेज पे। आपको जहाँ पर आपका स्किन का टेक्चर को मतलब हाईलाइट कराना है वहाँ पर आप करा सकते हैं। जैसे मैं अभी इस पार्ट को हाईलाइट कराऊँगा, देखिए अपने फेस का ये जो पार्ट है इसे हम अप्लाई, देखिए ये हमारा डजन बर्न अप्लाई कर रहे हैं हम अपने इमेज पे। ये देखिए हमने आई के इस पार्ट को थोड़ा सा ये किया, सॉरी नोज के इस पार्ट को थोड़ा हाईलाइट करा है क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो। अभी यहाँ पे हम ऑपेसिटी के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे, ऑपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, देखिए परफेक्ट। तो गाइस इतना प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सिंपली है यहाँ से जो ये ओवरले का इमेज है मैं इसे क्या करूँगा, इसे उठाता हूँ और यहाँ पे ला के रखता हूँ। इस पे रखने के बाद कंट्रोल टी करेंगे और सीधा करके इसे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, ठीक है, और इसे उठा के इस टाइप से हम सेट करेंगे अपने इमेज पे। करने के बाद आपको सिंपल है यहाँ से ओवरले पे, सॉरी इसको स्क्रीन कर देना है कि हमारा ब्लैक पार्ट नहीं दिखे इमेज पे। करने के बाद आप इसे क्या करें, फिल्टर पे चले जाए, ब्लर पे चले जाए और यहाँ से गॉसियन ब्लर को ले लें। गॉसियन ब्लर को लेने के बाद आप यहाँ से इसका ओपेसिटी के साथ कुछ खिलवाड़ करके इसे बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। ये देखिए हो गया परफेक्ट, ये देखिए। तो गाइज अभी हमारा जो ब्लर है इमेज पे वो अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ब्लर अप्लाई हो गया। अभी सिंपल इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर ले लें और यहाँ से अपना ब्लैक कलर सिलेक्ट है और यहाँ से हम ग्रेडियंट टूल को ही यूज़ करेंगे और ओपेसिटी भी हमारा 100 है। सिंपल है, यहाँ से शिफ्ट प्लेस करके मैं ऐसे करके एक लेयर को देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ से ओपेसिटी के साथ हम थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे, जैसे ये देखिए। तो गाइस अभी ये बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर आपका जो हमारा ऊपर का एक ब्लेंड ऑप्शन है इसे हम फिर से एक बार डुप्लीकेट बना के भी लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टी करेंगे यहाँ पर और इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, परफेक्ट। तो गाइस हमारा आज का जो प्रोसेस था आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल, मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि आप कैसे करके अपने इमेज को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है ये देखिए फेस पे भी आ रहा है, अगर आपको हटाना है तो सिंपली यहाँ से मास्क मैंने बनाया और ब्रश लिया और यहाँ से ब्लैक कलर को ले लिया और सिंपल है फेस के इस पार्ट से हम थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं, परफेक्ट। अभी यहाँ पर गाइस एक और एडजस्टमेंट होगा, जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ लेवल, लेवल को बाद इस टाइप के इधर से मैं इसे बढ़ा के लगभग बढ़ाता हूँ जिससे हमारा इमेज को थोड़ा सा साइन टोन आ जाए, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे हम इसे और हम यहाँ से एक या दो स्टेप ब्लैक को भी ले लेंगे। तो गाइज ये देखिए अभी हमारा जो इमेज है पूरा पूरी परफेक्टली एडिट हो चुका है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आप फोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो चलिए गाइज आज के लिए विदा लेते हैं।